हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं आवेशित आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम लोग पढ़ा जाए। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है? ठीक है, तो पहले हम लोग नॉर्मल विधि से इसको समझेंगे, फिर एक वैकल्पिक विधि के द्वारा इसको सूत्र निकाला जाएगा। ठीक है, तो आप जान रहे हैं किसी चालक को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है। किसी भी चालक को चार्ज करना हो, आवेशित करना हो, तो आपको कार्य करना पड़ेगा। और यही कार्य जो है उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है, संचित हो जाता है। किसी चालक को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है, और यह कार्य ही आवेशित चालक में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। चालक को आवेशित करने में किए गए संपूर्ण कार्य को ही आवेशित चालक की ऊर्जा कहते हैं। चालक को आवेशित करने में किए गए संपूर्ण कार्य को ही आवेशित चालक की ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं इसको। चालक को आवेशित करने के लिए किए गए संपूर्ण संपूर्ण कार्य को ही आवेशित आवेशित चालक की ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, आवेशित चालक की ऊर्जा क्या होती है? चालक को आवेशित करने के लिए किए गए संपूर्ण कार्य को ही आवेशित चालक की ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, मान लेते हैं किसी चालक को प्लस क्यू कूलाम आवेश दिया गया। ये मान ले रहे हैं किसी चालक को प्लस क्यू कूलाम आवेश दिया गया है। यह आवेश जो है, ठीक है, एक चालक ले ले रहे हैं, इस पर हमने प्लस क्यू कूलाम आवेश दिया, लेकिन यह दिया गया आवेश हम एक ही साथ नहीं दे दे रहे हैं। ठीक है, एक ही साथ नहीं दे रहे हैं, यह हम छोटे छोटे पार्ट में दे रहे हैं। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे टुकड़ों में इस आवेश को दे रहे हैं। ठीक है, इस आवेश के कारण इस चालक का विभव बढ़ेगा। ठीक है, इस आवेश के कारण चालक का विभव बढ़ेगा, लेकिन शुरू में इसका विभव क्या होगा? प्रारंभ में, प्रारंभ में चालक, ठीक है, प्रारंभ में चालक का विभव कितना होगा? जीरो होगा। प्रारंभ में, स्टार्ट में चालक का विभव भी बराबर शून्य है। आवेश जो हम दे रहे हैं चालक को, वो एक ही साथ नहीं दे रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट में दे रहे हैं। तो माना किसी चालक को प्लस क्यू आवेश के बहुत छोटे छोटे भागों में विभाजित करके दिया जाता है। ठीक है, जिससे चालक का विभव शून्य से, चालक का विभव क्या होगा? शून्य से बढ़कर भी हो जाता है। चालक का विभव जो है धीरे धीरे बढ़ेगा, तो शून्य से बढ़कर भी हो जाता है। ठीक, जब चालक को पहला भाग दिया गया तो चालक का विभव शून्य था। ठीक है, चालक को जब पहला भाग देंगे तो उस समय विभव क्या होगा? शून्य था। विभव तो शुरू में होगा नहीं। जब चालक को पहला भाग दिया गया तो उस समय विभव क्या था? शून्य था, और आवेश देने पर कोई कार्य नहीं किया गया। चालक को आवेश का जब पहला भाग दिया गया तो विभव शून्य था। विभव शून्य होने के कारण कोई कार्य नहीं किया गया। ठीक है, लेकिन जब आवेश के अन्य भाग को दिए जाएंगे तो
ये पहले से स्थित आवेश उसका विरोध करेगा, जिससे आपको कार्य करना पड़ेगा। शुरू में चालक पर कोई आवेश नहीं था, विभव शून्य था। ठीक, आपने आवेश का पहला पार्ट दिया, चालक ने एक्सेप्ट कर लिया, कोई विरोध नहीं हुआ क्योंकि विभव शून्य था। लेकिन जब आप चालक का दूसरा पार्ट देंगे, तीसरा पार्ट देंगे, तो इस चालक पर जो आवेश रहेगा वह आने वाले आवेश का विरोध करेगा, प्रतिकर्षण होगा, प्लस प्लस में विरोध होगा, जिससे आपको कार्य करना पड़ेगा। बात आई समझ में? तो आप देख रहे हैं कि जब चालक को आवेश का पहला भाग दिया जाएगा तो चालक का विभव शून्य था, आवेश देने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। लेकिन चालक को आवेश के अन्य भाग जब हम एक एक करके देंगे तो चालक पर पहले से उपस्थित आवेश प्रतिकर्षण करेगा, जिसके विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, चालक का विभव जो है अब बढ़ता जाएगा, चालक का विभव बढ़ता जाएगा। आवेश का अंतिम पार्ट जब देंगे तो विभव बढ़कर भी हो जाएगा। आवेश का अंतिम हिस्सा आप देंगे तो बढ़कर विभव कितना हो जाएगा? भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम मान सकते हैं चालक को प्लस क्यू आवेश देने, चालक को प्लस क्यू आवेश देने के समय में, ठीक है, चालक को प्लस क्यू आवेश देने के समय में चालक का औसत विभव, चालक का औसत विभव। तो शुरू में क्या था विभव? जीरो। फिर विभव क्या हो गया? भी और बटे दो। चालक को प्लस क्यू आवेश देने के समय चालक का औसत विभव क्या हो गया? भी बाई टू हो गया, भी बाई टू है। ठीक है, संपूर्ण आवेश इसी विभव पर दिया जाता है, संपूर्ण आवेश इसी विभव पर दिया जाता है। अब आप विभव का परिभाषा जानते हैं, चालक को क्यू मात्रक आवेश देने में किया गया कुल कार्य कितना होगा? चालक को क्यू मात्रक आवेश देने में कितना कार्य किया जाएगा? ठीक है, तो कार्य बराबर क्या होगा? आवेश इंटू औसत विभव। चालक को क्यू मात्रक आवेश देने में कितना कार्य किया जाएगा? तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा? W बराबर आवेश इंटू औसत विभव, आवेश इंटू औसत विभव। ठीक है, आवेश इंटू औसत विभव मान रखते हैं। आवेश क्या है? Q, और औसत विभव कितना निकला है? V बाई टू। इसको आप क्या लिख सकते हैं? एक बटे दो क्यू भी, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, किया गया कार्य कितना हो गया? W बराबर एक बटे क्यू भी हो गया, W बराबर एक बटा दो क्यू भी। यही जो कार्य निकल रहा है, यही कार्य चालक के पृष्ठ पर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यही किया गया कार्य चालक के पृष्ठ पर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, अतः चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? W को अब यू लिखेंगे, एक बटा दो क्यू भी। किया गया कार्य चालक के पृष्ठ पर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, अतः यू बराबर स्थितिज ऊर्जा, यू बराबर हो गया एक बटे दो क्यू भी। ठीक है, लेकिन आप जानते हैं परंतु, ठीक है, भी बराबर क्या होता है? आप सूत्र पढ़े हैं, क्यू बराबर सी भी, तो भी बराबर क्यू बटा सी, भी बराबर क्यू बटा सी, जहां सी क्या है? चालक की धारिता है। तो आप जो है इस सूत्र में भी की जगह क्या लिख सकते हैं? क्यू बटा सी लिख सकते हैं। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? यू बराबर एक बटा दो, ठीक है, क्यू और भी की जगह क्यू बटा सी, भी की जगह क्या लिखेंगे? क्यू बटा सी। अब क्या हो जाएगा? यू बराबर एक बटा दो,
क्यू स्क्वायर बटा सी, यू बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर बटा सी। ठीक है, एक सूत्र यह हो गया, इसी ऊर्जा का एक सूत्र यह हो गया यू बराबर 1/2 क्यू भी। दूसरा सूत्र हो गया यू बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर बटा सी, क्यू स्क्वायर बटा सी। ठीक है, और आप जानते हैं क्यू बराबर सी भी होता है, क्यू बराबर सी भी। तो क्यू की जगह अगर सी भी रखें तब क्या होगा, उस कंडीशन में यू बराबर 1/2 क्यू की जगह सी भी का स्क्वायर बटा सी। यह हो गया आपका 1/2 सी स्क्वायर भी स्क्वायर बटा सी, सी से एक सी कैंसिल हो गया, तो यू बराबर 1/2 सी भी स्क्वायर, यू बराबर 1/2 सी भी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि आवेशी चालक की स्थिर ऊर्जा कितनी होगी, तो आवेशी चालक की स्थिर ऊर्जा किए गए कार्य के बराबर होगी, और उसका मान आया u बराबर 1/2 क्यू भी, u बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर बटे सी, u बराबर 1/2 सी भी स्क्वायर। ठीक है, यहां पर स्थितिज ऊर्जा का मात्रक क्या होगा, जूल। स्थिर ऊर्जा का मात्रक क्या लेंगे, जूल। आवेश कूलाम में, विभव भी वोल्ट में, धारिता फैरेड में हो, तो स्थिर ऊर्जा u का मात्रक जूल प्राप्त होगा। तो यह एक साधारण तरीका हो गया। अब आते हैं वैकल्पिक तरीके से कैसे हम इस सूत्र को सिद्ध कर सकते हैं। तो मान ले रहे हैं कि चालक की धारिता c है, चालक की धारिता कितनी है, c है। मानते हैं आवेश q डैश देने पर इसके विभव में वृद्धि v डैश हो रहा है। ठीक है, माना माना चालक की धारिता सी है। ठीक है, माना इसे आवेश क्यू डैश देने पर इसका विभव भी डैश हो जाता है, इसका विभव भी डैश हो जाता है। ठीक है, तब उस कंडीशन में भी डैश बराबर क्यू डैश बटा सी। ठीक है, चालक की धारिता सी है, आप मान रहे हैं कि आवेश क्यू डैश देने पर विभव भी डैश हो जा रहा है, उस कंडीशन में भी बराबर क्यू बटे सी होता है, तो भी डैश बराबर क्यू डैश बटा सी हो जाएगा। ठीक है, चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य चालक के समीप वैद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। चालक को आवेशित करने में जो कार्य किया जाता है वह चालक के समीप वैद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, माना माना अनंत से, माना अनंत से एक सूक्ष्म, अनंत से एक सूक्ष्म आवेश DQ, अनंत से एक सूक्ष्म आवेश DQ चालक तक लाते हैं, चालक तक लाते हैं। ठीक है, मान रहे हैं आप कि अनंत से एक सूक्ष्म आवेश DQ चालक तक लाते हैं। ठीक है, अब इसमें किया गया कार्य कितना होगा, इसमें किया गया कार्य तो कार्य डी क्यू आवेश ला रहे हैं, तो कार्य क्या होगा, डी डब्ल्यू, विभव इंटू आवेश। किया गया कार्य बराबर विभव इंटू आवेश, डब्ल्यू बराबर क्यू भी, विभव इंटू आवेश। ठीक है, विभव कितना है, भी डैश, और आवेश कितना ला रहे हैं, डी क्यू, भी डैश इंटू डी क्यू। तो डी डब्ल्यू बराबर भी डैश का मान कितना है, क्यू डैश बटे सी, क्यू डैश बटे सी इंटू डी क्यू। ठीक है, तो किया गया कार्य अनंत से एक सूक्ष्म आवेश डी क्यू को चालक तक लाते हैं, और इसमें किया गया कार्य डी डब्ल्यू है, तो डी डब्ल्यू बराबर विभव इंटू आवेश से भी डैश इंटू डी क्यू हो गया, भी डैश बराबर क्यू डैश बटे सी है मान रख दिए, तो डी डब्ल्यू बराबर हो गया क्यू डैश बटा सी इंटू DQ।
ठीक है, चालक को कुल आवेश, चालक को कुल आवेश क्यू देने में किया गया कार्य, देने में किया गया कार्य। पहले हमने डी क्यू आवेश दिया था, तब कार्य डी डब्ल्यू निकला है। अब हम टोटल आवेश क्यू दे रहे हैं, तब किया गया कार्य क्या होगा? किया गया कार्य डब्ल्यू होगा। डब्ल्यू बराबर पहले क्या था? जीरो आवेश था, फिर क्यू आवेश दे रहे हैं। डब्ल्यू बराबर जीरो से क्यू तक, ठीक है। डी डब्ल्यू मान रखें, डी डब्ल्यू का मान कितना है? जीरो से क्यू तक डी डब्ल्यू का मान क्यू डैश बटा सी डी क्यू, ठीक है। डब्ल्यू बराबर जो नियत है उसको बाहर निकालना है, एक बटा सी नियत है, अंदर क्या बचा? जीरो से क्यू तक, ठीक है, क्यू डैश डी क्यू, क्यू डैश डी क्यू, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया जाए, यह बराबर हो जाएगा एक बटा सी, ठीक है, क्यू डैश डी क्यू, ठीक है, की वैल्यू आ जाएगी आपका क्यू डैश स्क्वायर, क्यू डैश स्क्वायर बटा दो, क्यू डैश स्क्वायर बटा दो, कहाँ से? जीरो से क्यू तक, ठीक है। यह कैसे हुआ है? एक सूत्र होता है यहाँ पे, ठीक है, एक्स डीएक्स, अगर इंटीग्रेशन करना हो एक्स डीएक्स का, तो सूत्र आप लिखते हैं एक्स पावर एन प्लस वन बटा एन प्लस वन, एक्स पावर एन प्लस वन बटा एन प्लस वन, यह सूत्र होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स की जगह क्यू डैश है और डीएक्स की जगह डी क्यू है, ठीक है। तो पावर कितना है क्यू डैश पर? वन पावर है, वन पावर है, तो क्यू डैश के पावर वन है, तो वन प्लस वन तो टू टू हो जाएगा, अब बटे एन का मान वन है तो वन प्लस वन टू हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? क्यू डैश स्क्वायर बटे दो, ठीक है। किस सूत्र से? एक्स डी एक्स बराबर एक्स पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन से, ठीक है। तो आगे आपका डब्ल्यू बराबर एक बटा सी क्यू डैश स्क्वायर बटा दो जीरो से क्यू तक, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब यहाँ पे एक बार हायर लिमिट रखते हैं, एक बार लोअर लिमिट रखते हैं। तो जब हायर लिमिट रखेंगे क्यू डैश की जगह पे, तो क्यू स्क्वायर बटे दो हो जाएगा, और जीरो रखेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो उस कंडीशन में डब्ल्यू बराबर आ जाएगा आपका, ठीक है, डब्ल्यू बराबर एक बटा सी और वैल्यू रखें तो क्यू स्क्वायर बटा दो, क्यू स्क्वायर बटे दो, लेकिन जब जीरो रखेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो यह हो गया आपका डब्ल्यू बराबर एक बटा सी क्यू स्क्वायर बटे दो, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं डब्ल्यू बराबर एक बटा दो क्यू स्क्वायर बटा सी, डब्ल्यू बराबर एक बटा दो क्यू स्क्वायर बटे सी, ठीक है। आप जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है? सी भी होता है, क्यू बराबर सी भी होता है, तो क्यू की जगह सी भी रखेंगे तो आपका सूत्र आ जाएगा, किया गया कार्य ही क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होता है, तो W की जगह U यूज कर लेंगे तो U बराबर हो जाएगा एक बटा दो सी वी स्क्वायर, U बराबर एक बटा दो सी वी स्क्वायर, W की जगह U यूज करेंगे तो U बराबर हो जाएगा एक बटा दो क्यू स्क्वायर बटा सी, U बराबर एक बटा दो क्यू स्क्वायर बटे सी, U बराबर एक बटा दो सी वी स्क्वायर, ठीक है। यह हो गया आपका वैकल्पिक विधि से, कैलकुलस से कैसे हम जो है प्रूफ करेंगे कि W बराबर एक बटा सी क्यू स्क्वायर बटे दो, वो आपने प्रूव किया, और यही किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा होता है। W की जगह U यूज किया आपने तो U बराबर एक बटा दो क्यू स्क्वायर बटे सी, क्यू बराबर सी भी होता है तो U बराबर एक बटा दो सी भी स्क्वायर हो गया।